इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। वो इंतहा पसंदी अभी तक गई नहीं है। वो इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान का एक इलाका गिलगित बल्तिस्तान है, वहां पे एक शिया और सुन्नी उलमा के दरमियान जो है वो एक अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। जब कल एक शिया जो आलम थे, उन्होंने एक खत लिखा सुन्नी आलम को और ये कहा कि पहले हमारे और आपके दरमियान, शिया सुन्नियों के दरमियान मुनाजरे होते रहे, अभी हमें मुबाहला करना चाहिए और अब हमें करना ये चाहिए कि हम इस तरह करते हैं कि हम 21 मई 2021 दोपहर 3 बजे जो शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में है, उसमें हम ऐसे करते हैं, लड़की और लकड़ियों का इंतजाम करते हैं और लकड़ियों के इंतजाम करने के बाद वहां पे हम जो सूबाई हुकूमत है, जो फोर्स कमांडर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, अदालतों की जो मौजूद जजेस हैं, उनकी मौजूदगी में आगा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी साहब और मौलाना काजी निसार अहमद साहब जो हैं, वो अपने आप को सही और झूठा साबित करने के लिए दोनों आग में कूद जाएंगे और जो बच जाएगा वो हक में होगा, जो बातिल होगा वो फिर नार वो तसव्वुर किया जाएगा। अब इस तरह के जो रवैये हैं, इसका हमारे मुआशरे में क्या नुकसान हो सकता है और इसका पहले भी इस तरह की चीजों का क्या नुकसान हुआ, इस चीज पे बात करने के लिए मैंने आरजू काजमी साहिबा को रिक्वेस्ट की। आरजू साहिबा, ये जो बिहेवियर है कि जी दो आलम आग में कूद जाएं और जो बच गया वो ठीक होगा, जो ना बचा वो जहन्नमी होगा, क्या इस तरह के रवैये हमारे मुआशरे में हमें सूट करते हैं या हमारे मुआशरे से के मुताबिक ये इस तरह ये उलमा क्यों कर रहे हैं? चीमा साहब, मैं क्या कह सकती हूँ, ये जहालत है और जहालत ऐसी है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है पाकिस्तान में, कहीं तरफ से भी जो है वो हम इसको ठीक होता हुआ नहीं देख रहे। और अब तो हद ये हो गई है कि ये, मैं दोनों को कहनी हूँ, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, एक ही तरह की जहालत दोनों में है। अब होना ये चाहिए कि जब इन्होंने ये तय ही कर लिया है कि इन्होंने, बल्कि मैंने ये सुना था डोनेशन भी जमा कर रहे हैं और डोनेशन लोग दे रहे हैं ताकि जिससे लकड़ियां खरीदी जा सकें और उसके बाद वो ये सब तमाशा करें, तो उनको चाहिए कि जो जो उनके फॉलोअर्स हैं दोनों तरफ के, उनके लिए भी वो ये चीज रखे ताकि एक दफा जले, खत्म हो, जान छुटे लोगों की। जितने मौलवी हैं सबको ये चाहिए कि पैसे मैं भी दूंगी, मेरे पास जितने भी पैसे होंगे मैं अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना जेवर भी उतार के दे दूंगी कि ये लो, ये भी बेच के लकड़ियां खरीद लो, कि ये सबके सब आग लगाएं और उसमें कूद जाए और जो बच जाए, जैसे ये कह रहे हैं कि वो हक पे होगा और जो नहीं बचा वो सही नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही इनको करना चाहिए क्योंकि हद हो गई है। ये रोज एक नया तमाशा खड़ा करते हैं और अपने आप को, हमें क्या, पूरे पाकिस्तान का ये तमाशा इन्होंने बना के रख दिया है और ये आपको मालूम है कि सालों से ये चीज चल रही है मगर ये बढ़ती चली जा रही है और बढ़ने की रीजन भी यही है कि चाहे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे इमरान खान साहब हों, इन्होंने भी कभी कोशिश नहीं की कि ये मजहब और सियासत को अलग रखें या ये इस तरह के लोगों को कंट्रोल करें जो एक तरह का जहर फैला रहे हैं पूरे माशरे में, जो पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। इससे कुछ अच्छा मैसेज तो नहीं जाएगा पूरी दुनिया को कि कोई समझे कि जी बड़ा कोई इस्लाम का नाम ऊंचा हो जाएगा या कोई पाकिस्तान का नाम जो है वो लोग लेने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि और ज्यादा लोग हमें, एक तरफ हम तो इंडिया को और दूसरे लोगों को कहते हैं कि हम जी कश्मीर के मामले में हमने जी उनको दीवार के साथ लगा दिया, उनको दुनिया नहीं पूछी, लेकिन इन हरकतों से उल्टा पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा और आहिस्ता आहिस्ता करके लोग दी, और वो कहते रहते ना कभी इस कंट्री का बायकॉट कर रहे हैं, कभी उस कंट्री का बायकॉट कर रहे हैं, कभी ब्लास्फेमी की बात करते हैं, तो अगर यही हरकतें करते रहे तो फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान का सब लोग बायकॉट करना शुरू कर दें और जब वो शुरू होगा सब कंट्रीज का, तो फिर ये सोच सकते हैं कि इनका क्या बनेगा। अभी भी आप देख ही रहे कि इसके ऊपर किसी ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, किसी मिनिस्टर ने या किसी ने भी इनको कुछ नहीं कहा है। ये बिल्कुल सही कह रही है, मैं इसी से एक पॉइंट लिंक करने लगा था जो आप कह रही है कि हुकूमत की तरफ से रिएक्शन नहीं आया, बल्कि जो वहां की गिलगित बल्तिस्तान की जो आरजू साहिबा जो इंतजामिया है
उन्होंने कहा जी इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये दो चीजें हैं, एक तो उन्होंने ये कहा, आलिम साहब ने प्रपोज किया कि वहां पे जनाब सूबाई हुकूमत के लोग बैठे हों, चीफ सेक्रेटरी बैठे हों। दरअसल उन्होंने जो है वो शिकें इस तरह की रख दी हैं ताकि ना ये लोग इकट्ठे हों और ना हम इस तीरों पर जाएं। लेकिन ये बेसिकली सस्ती शोहरत लेने का भी तो एक तरीका है। तो आप क्या समझती हैं आरजू साहबा कि ये इस तरह की हरकत करने से रियासत को इंटरवीन करना चाहिए, ना कि खामोश बैठ के पीछे हट जाना चाहिए और कहना चाहिए हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब रियासत इंटरवीन नहीं करती तो इसका मतलब है कि आपने उलेमा को मौका दिया है या इस तरह के दाएं बाजू के मजहबी तबकात को मौका दिया है कि वो मुआशरे की तरतीब और मुआशरे की जो कंस्ट्रक्शन है वो, या मुआशरे का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपनी मर्जी से कर सके। इसके बारे क्या कहेंगे आप? नहीं, आप सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी और इनको रोकना चाहिए था, इसको एकदम से रिजेक्ट करना चाहिए था इस एक्ट को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो कह रहे हैं जी ये इनका आपस का मामला है और अजीब तरह की बात कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि ये सस्ती शोहरत के लिए, तो सस्ती शोहरत के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। वो तो वो मुझे कल परसों कोई साहब जोक सुना रहे थे कि वो कोई आदमी गया और जाके उसने जमात लगी हुई थी वहां जाके उसने कुछ शिट कर दी और ये वो, तो उससे वो मशहूर हो गया। अब जहां से जाते हैं वो कहते हैं ये है वो आदमी जिसने के जो है वो जाके मस्जिद के अंदर जो है उसने गंद कर दिया था। तो ऐसी ये वही वाली शोहरत है बिल्कुल, इसलिए कि अगर ये ऐसा कुछ करते हैं और इसके लिए थोड़ा बहुत भी इनको कवरेज भी सुना है कि मीडिया दे रहा है, ये बात भी मैंने कहीं पढ़ी थी, आज ही सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि सारा जो मीडिया है वो इनको कवरेज भी देगा जो वहां का है, तो इससे कोई अच्छा मैसेज तो फिर भी नहीं जाएगा। यही होगा कि इनके इनका ये एक्ट जो है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है और ये चीज लोग जो। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो गाइज ये टॉपिक हो रहा है भारत के हिस्से में, जी हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में ये होने वाला है, जिस बात पर ये डिस्कशन हो रहा था। सिया सुन्नी मौलानाओं के बीच मतलब एक जंग टाइप की हो गई है और उस जंग का फैसला होगा, लकड़ियाँ जलाई जाएंगी, लकड़ियाँ में जाएगा पहले सिया फिर सुन्नी, दोनों साथ में जाएंगे शायद, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। और जो जल गया तो वो समझो उसका ईमान सच्चा नहीं है और जो बच गया उसका ईमान सच्चा है। तो गाइज़ आप समझ सकते हो कलयुग में ये पापी इस तरीके की चीज़ें करके सतयुग वाली चीज़ें कर रहे हैं, तो ये कहाँ से सक्सेसफुल होंगे आपको भी पता है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं पाकिस्तान में, इंटरेस्टिंग देखते हैं। और ये चीज़ काफ़ी हाईलाइट हो रही है, पाकिस्तान के जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट कर दिया, मतलब डेफिनेटली वो भी मतलब सिया सुन्नी वाले विवाद में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये बात बता दूं कि पाकिस्तान में मोस्टली ज़्यादातर तो सुन्नी लोग हैं, सिया बहुत कम हैं और सियाओं को पेला जाता है, काफ़ी मारा जाता है। सिया बेसिकली भारत में तो काफ़ी सुरक्षित हैं, लेकिन ये भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी भी सिया है और जो अपना ये क्या नाम था मोहम्मद अली जिन्ना भी सिया था। सियाओं के बेसिकली सबसे मेन कंट्री है ईरान, और वहीं पर इनके सबसे पवित्र स्थान भी हैं जहां पर ये मतलब जो भी तीर्थ के लिए जाते होंगे। तो गाइज़ सिया भारत में तो आपको पता है सिया बेसिकली बहुत सुरक्षित हैं, यहाँ पर सिया सुन्नी फसाद होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये होते हैं और पाकिस्तान में बेसिकली ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि कई सिया सुन्नी वाले नाम रखकर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर आने वाले समय में जो भी वीडियो है आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और आपको बता दूँ कि पाकिस्तान अभी जो फिलिस्तीन में जो कुछ मतलब उनके बीच जो सीज़ फायर वॉयलेशन हो रहे थे उस पर जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर मतलब एक फतह सेलिब्रेट कर रहा है फिलिस्तीनियों की, उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान की मीडिया में कि ये मुसलमानों की जीत हुई है। हालांकि आपको भी पता है कि इसराइल वालों ने इतना पेला, उसके बाद अमेरिका ने बोला रुक जाओ, उन्होंने 3-4 दिन तो मना किया अमेरिका को, फाइनली उन्होंने कहा ठीक है बस हो गया बहुत, उसके बाद अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता, इनको करना तो चाहिए था कि इनको खुद की फ़ौज भेजना चाहिए था, या तो फिर टर्की ईरान के साथ कुछ जॉइंट मिलिट्री बनाकर भेजनी चाहिए थी, क्योंकि ये आपको भी पता है कि बहुत हिस्ट्री में ये और वो जाते हैं और ये वो फलाना ठिकाना बातें करते हैं, तो इनकी तो फ़िलहाल दम नहीं पड़ी वो सब करने की। और
जो सीज़फायर एग्रीमेंट हुआ उसी पर ही अपनी मतलब इस्लाम की फतह और इस तरीके की बातें शुरू हो गई हैं पाकिस्तानी मीडिया में। बस वीडियो आपको मिलने वाली है बहुत जल्द उसकी भी। तो गाइज़ इस टॉपिक को आपने सुना, यहाँ पर जो आरजू काज़मी कह रही हैं बेसिकली जो बात कर रही हैं मौलाना को ऐसा वैसा करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर आरजू काज़मी के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है। जिस तरीके से ये टारगेट कर रही हैं मौलाना को, तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे जो मतलब पत्रकार थे वो या तो अंडरग्राउंड हैं या तो दूसरी कंट्री से इस तरीके की बातें करने लगे हैं। इस तरीके की बातें आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते जितना खुलकर आरजू काज़मी करती हैं। हालांकि कमर चीमा दोनों साइड खेलता है, ये इतना खुल के बात नहीं करता है। तो आरजू काज़मी को काफ़ी गालियाँ भी पड़ती हैं, अगर आप इनको ट्विटर पर फॉलो करते हो तो आरजू काज़मी को इसको लेकर इन्हें काफ़ी गालियाँ पड़ती हैं और इन्हें इंडिया का एजेंट और इंडिया जाने तक के लिए बोल दिया गया है। लेकिन ये जिस तरीके से बोल्ड तरीके से बात करती हैं तो डेफ़िनेटली इन पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ ना हो, ये सुरक्षित रहें। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।